हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार के लव अफेयर के दर्जनों किस्से हैं, लेकिन आज हम उस किस्से की बात कर रहे हैं जो सबसे सफल और शायद सबसे पहला भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान के मम्मी पापा शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की। कब और कैसे हुई दोनों की मुलाकात? शर्मिला और मंसूर की मुलाकात 1965 में दिल्ली में हुई थी। शर्मिला उस वक्त दिल्ली में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। यहीं पर इन दोनों की मुलाकात एक दोस्त ने कराई थी। उस वक्त शर्मिला 21 साल की थी। पहली ही मुलाकात के कुछ ही दिन बाद मंसूर पटौदी ने शर्मिला को एक फ्रिज गिफ्ट कर दिया था। उस जमाने में यह बहुत बड़ा गिफ्ट माना जाता था। 4 साल एक दूसरे को किया डेट। इसके बाद मंसूर और शर्मिला एक दूसरे को डेट करते रहे। इसके बाद 27 दिसंबर 1969 को दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त यह शादी बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, क्योंकि मंसूर शाही परिवार से थे और नवाब भी, जबकि शर्मिला फिल्म एक्ट्रेस थी। शर्मिला एक मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से थी और पटौदी मुसलमान परिवार से थे। शर्मिला और मंसूर के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन दोनों नहीं माने और परिवार वालों को इसके आगे झुकना पड़ा। इंदिरा गांधी भी शामिल हुई थी शादी में। इस शाही शादी में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और इंदिरा गांधी भी शामिल हुई थी। विवाह के बाद शर्मिला ने इस्लाम कबूल कर लिया और वह शर्मिला से आयशा सुल्तान बन गई। दोनों की 3 संतानें हैं। शर्मिला और पटौदी के 3 बच्चे हैं, सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। सैफ और सोहा फिल्मी दुनिया के बड़े सितारे हैं, जबकि उनकी बेटी सबा अली खान मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर है। शर्मिला और बच्चों के लिए छोड़ गए अरबों की प्रॉपर्टी। मंसूर अली खान पटौदी का फेफड़ों के संक्रमण के कारण 22 सितंबर 2011 को 70 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। इंटरनेट पर मौजूद रिपोर्ट के अनुसार पटौदी 2700 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की प्रॉपर्टी शर्मिला और बच्चों के लिए छोड़ गए हैं। तो दोस्तों, यह थी शर्मिला और मंसूर अली खान की लव अफेयर की कहानी। आप बने रहे YRY18 के साथ। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।